एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू यूट्यूब ब्लॉग में। तो दोस्तों, बज रहे हैं शाम के 5। अभी मैं जस्ट एक ब्लॉग एंड करके उठी हूँ, तो देखो गीत का वीडियो मैं एक दिन में 2 जरूर शूट करती हूँ, बात आप लोग को पता ही है। तो ही मैंने एक गीत का एंड किया है और उम्मीद करते हैं कि गीत आप लोग को पसंद आएगा। यह गीत ही शूट करने जा रहे हैं और उन्हीं बहन की रिक्वेस्ट है जिन्होंने कहा था कि मतलब सोहर सुनने को, तो उन्हीं का रिक्वेस्ट है। समझी का गारी गीत और बहुत ही पुराना पारंपरिक गारी गीत है ये, हमारे दादी दादी के ज़माने में गाया जाता था। वो अभी भी याद है, बहुत सारे हैं लेकिन उन्होंने कहा है तो ये वाला सुना देते हैं, फिर आगे से आप लोग को दूसरा भी सुनाएंगे। आइए सुन लेते हैं प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा है गारी गीत समझी जी का। उम्मीद करते हैं कि यह गीत आप लोग को बहुत पसंद आएगा। गीत पसंद आए तो लाइक कर दिया करें यार, और शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप में जो भाई बहन चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम और आप मिलते रहें इसी के जरिए। बाकी कहाँ हम और कहाँ आप लोग, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, तो आप लोग का सच में कमेंट पढ़ते हैं और इतना ज़्यादा प्यार आप लोग का मिलता है ना, सच में बहुत खुशी होती है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से करते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे ना, जब शुरू शुरू में वीडियो बना रही थी ना, तो मुझको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं जो लोग रिक्वेस्ट करते थे बोलते थे, फिर कम ही ध्यान दे पाती थी। तो ये शांति गांव की हैं जो बहन, उन्होंने बोला मतलब मेरे चैनल पे आई और बोला बहन थोड़ा लोगों की बातों पर भी ध्यान दिया करो। तब से मैंने मतलब यही सोच लिया कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पहले पूरी होगी, हमारा जो मन कहेगा वो बाद में करेंगे, इसके लिए हम आप लोगों की रिक्वेस्ट ही पहले पूरी करते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गाड़ी गीत समझी जी का। धनी रे अवधपुर जहाँ बाजन बाजैय रे, धनी रे नगर जहाँ गारी हाँ सीताराम से भजो रे, धनी रे नगर जहाँ गारी हाँ सीताराम भजो। धनी हो नगर जहाँ बाजन बाजै हो, धनी हो अवधपुर जहाँ बाजन बाजै, अरे धनी रे नगर जहाँ गारी हाँ सीताराम से भजो। धनी धनी भागी तो हरी होते वारी रमा, धनी धनी भागी तो हरी हो कमने रमा, समाधि सजन द्वारे आए हाँ सीताराम से भजो। धनी धनी भागी तो हारी हो दुबे रमा, समाधि सजन दो ये आए हाँ सीताराम से भजो। निहुरी परो साई समाधि कवने रमा, धोती जाई हाँ सीताराम से भजो, ये धोतिया धूमिली होई जाई हाँ सीताराम से भजो। निहुरी परो साई भैया कमने रमा, धोतिया धूमिली होई जाई हाँ सीताराम से भजो। धूमिली धोतिया धोबिया घरे जाई है हो, धूमिली धोतिया धोबिया घरे जाई है, अरे समाधि लई बड़ी भागी हाँ सीताराम से भजो। धूमिली धोतिया धोबिया
अवधपुर जहाँ बाजन बाजै हो रे अवधपुर जहाँ बाजन बाजै अरे धनी रे नगर जा गारी सीताराम से भजो। तो ये गारी गीत हमने अपनी बहन की रिक्वेस्ट पर सुनाया है। बहुत सारे गारी गीत हैं और हम आप लोगों को बारी बारी से सुनाते ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी की जाए। उसके बाद तो गीत तो बहुत सारा आता है। और हमारी दादी कहती थी, हमारी बड़ी भाभी जब आई थी तो हमारी दादी बोलती थी, अरे विद्या बहुत डिब्बा भरे ही बहुत भंडार भरे ही गीतिया लिख काहे के ना ले तू, ना ही तो बाद में याद करबू। तो वही हाल है, ऐसा नहीं, गीत बहुत सारे हैं, आप लोगों को हम बारी बारी से सुनाते रहेंगे। और लेकिन ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी अपने दर्शक की हम रिक्वेस्ट पूरी करें। तो जिन बाप की बेटी होती हो, बाप सच में बहुत भाग्यशाली होते हैं। थोड़ा महंगाई है, ज़माना है, इसके चलते लोग भारी हो जाती हैं। बेटियाँ एक दो हैं तो चलिए ठीक है, चार पांच जब हो जाती हैं सच में मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ऐसा नहीं है बेटियों से ही घर भरा पूरा रहता है। अगर जिस घर में शादी ब्याह हो और बेटियां ना आए तो घर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेटी रहती तो नेक चार मांगती हैं, ठनगन करती हैं, भाई भाभी देते हैं, माँ बाप देते हैं, भतीजा होता है, बुआ बनती हैं, मतलब हर जगह अगर बेटी ना हो तो फिर नेक चार या कुछ भी मतलब आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं और उम्मीद करते हैं कि सब माँ बाप अपनी बेटियों को प्यार करेंगे। हम अपने माँ बाबू जी की 3 बेटी हैं, हमारे माँ बाप जी बहुत सच में प्यार करते हैं। वैसे मैं जानती हूँ, मतलब पूरी दुनिया जानती है कि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करता है। हाँ, वजह ये है, प्रॉब्लम ये है, अगर बच्चों को लगता है या माँ बाप को नहीं तो उनकी मजबूरी है। अगर उनके एडजस्टमेंट में नहीं है तो आपकी जो है ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाते हैं कम्प्लीटली, जो हम चाहते हैं वैसा हमारे माँ बाप नहीं कर पाते हैं, बस इतना ही प्रॉब्लम है। बाकी एक हल जोतने वाला पिता भी और घर गृहस्थी वाली माँ भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है कि जितना 1 करोड़ या 1 लाख कमाने वाला पिता या शहर में लेके अपने अच्छी परवरिश देने वाले बच्चों के माँ बाप करते हैं। सभी माँ बाप अपने बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे करूँ हो गई झुंझनी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करेंगे। तो ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वॉच जरूर करिएगा यार, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब इस टाइम काफ़ी दिन हो गया हम आप लोगों को किस्सा नहीं सुना रहे हैं, बढ़िया सा किस्सा भी हमको काफ़ी याद करके रखी, इस बार हम छठी मैया का किस्सा सुनाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।